पुस्तक अध्याय 10, यह स्केल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे। सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन से भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिये के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास चार पहिये हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है और उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं, और पीठ हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए, और एक एक के चार चार मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उका पक्षी का सा। और करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे, और जब जब वे करूब चलते थे तब तब ये पहिये उनके पास पास चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिये उनके पास से नहीं मुड़ते। जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी। यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और पहिये भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए और इसराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इसराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। हरेक के चार मुख और चार पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे, और उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और उनके मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने। पुस्तक अध्याय 10, यह स्केल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे। सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया।
जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन से भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिये के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास चार पहिये हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है और उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिये के बीच दूसरा